पूरा गरीबों की आवाज उठाते हैं पूरा एकदम जितना उनका पावर है यहाँ से तो हम उनको वोट देंगे अपना वोट उनका हम अपना घर में जितना पैदा है हम उनको देने के लिए तैयार है ये हम नहीं कहते कि मोदी आए योगी आए कोई लालू आए ये नहीं कहते हैं नया मुद्दा नया नेता चुनिए नमस्कार मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी आ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत मिथिला पेंटिंग्स और इसको बनाने वाले जो शख्स है वो भी हमारे साथ मौजूद है लेकिन मिथिला पेंटिंग्स के बारे में बात ना करके हम इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं इस दुकान पर आई तो मैंने देखा कि मनीष कश्यप की वीडियोस को ये बहुत फॉलो कर रहे थे क्यों पसंद करते हैं क्या कारण है मनीष कश्यप को पसंद मनीष कश्यप जो है जो हर आदमी को जो है मुँह पर आ गया है बच्चा बच्चा हर जगह पर वो जाते हैं जहाँ विपत्ति है विपति का मोटिव है वहाँ पर जो है सो प्रचार करते हैं अपना दिखाते हैं माध्यम से उनका जो है अभी भी जो है सो वहाँ पर गए थे जो है सो चने में चने में उनको जो है सो बदनाम किया गया है बहुत गलत बात है कोई पेपर पर कोई मिर्जा को बदनाम करे वो अच्छा चीज़ नहीं है जैसे हमारा अभी मधुबनी मल्म, पेंटिंग का है दुकान है जैसे दूसरा दूसरा विभाग सब लगा के बैठ गया है हम लोग बिहार से नौपढ़ आदमी हैं अनपढ़ आदमी है, है यहाँ पर ऑफिसर को बोलते हैं दुकान देने के लिए तो बोलते हैं कि खाली होगा तो देंगे और यहाँ पर जो है सो गलत दुकान सब लगा हुआ है इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है भी, भी की तो हाँ। करना चाहते कि यहाँ पर आए हाँ। इन्वाइट कर करके कर ही से, से यहाँ पर देखे जनता को दिल्ली हाट में अभी बिहार उत्सव लगा है बिहार उत्सव का दुकान खाली रहता है तब नहीं मिलता है हमारा ये दुखी हमारा दुखी का बात है ये हाँ। कि हमारे बिहार में दुकान अपना हमारा बिहार का है हाँ। किसी हाँ। को आधा आधा दुकान मिल गया तो अच्छा है मगर दूसरा विभाग में जो दूसरा लगा हुआ है हाँ। वो गलत बात है अच्छा ये बताइए आप मनीष कश्यप को बुलाने की बात कर रहे हैं लेकिन मनीष कश्यप कैसे आएंगे उन्होंने तो खुद सरेंडर कर दिया है सरेंडर कर दिया है ना उन समय पर आएंगे ना समय पर उठी आ जाएंगे नहीं अभी इस बार आए दूसरा बार आएंगे तीसरा बार आएंगे मनीष कश्यप को जो है सो बच्चे बच्चे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना उनको भी ज्ञान पहुँच जाए जो आ पढ़ते हैं ए बी सी डी से बीस कान तक नहीं पढ़ने आता है जो ए बी सी डी तक जेड तक नहीं लिखने आता है उसको भी स्कूल में जाइए बच्चे के जाइए जहाँ तहाँ पश्चात पहुँचते हैं अपना दिखाते हैं हाँ। क्या दिक्कत है कहीं रोड का दिक्कत कहीं नदी का दिक्कत कहीं पानी का दिक्कत कहीं रोड का दिक्कत हमारे गांव में सोलह करोड़ आया है इसके लिए हम चाहना चाहते हैं कि मनी पशिव हमारे ही गांव में जितवारपुर में जा कर के हाँ। इन्वाइट करे हाँ। कि क्या दिक्कत है इस बड़ा बड़ा जो है से हमारे गाँव में स्टेट वाडी है स्टेट मीडर है और हमारे गाँव में अभी तक नाली नहीं बना है पानी गाँव में इतना इतना बरसात में लग जाता है सोलह करोड़ रुपया आया मैं सोलह करोड़ रुपया का कोई इन्वेस्ट नहीं किया गया हमारा गाँव से ही वापस चला गया इसके लिए क्या मुद्दा हम लोग बच्चे हैं हम लोग तो गांव से छोड़ के बच्चे अपना दुख दुनिया में लगे बते हैं दुकान भी नहीं होता है तब पर भी दीजिए हाट का दुकान नहीं एक दुकान मिलता रहता है इसके बारे में क्या कहेंगे और एक दुकान में ये ये, ये बताइए सर आप जिसे कह रहे हैं तो क्या बिहार में स्थिति वाकई खराब है और क्यों बिहारी मजदूरों को जो है वो दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है जाना पड़ता है कि अपना गांव में काम नहीं है कुछ नहीं है जो है सो खेती गृहस्थी है खेत पड़ता है जौन नहीं मिलता है लेबर नहीं मिलता है क्या करेंगे हम लोग को एक बीघा एकड़ जमीन है और उसमें लेबर नहीं मिलेगा हम अपना के लिए कितना खटेंगे जितना खटना चाहिए उतना ही खटेंगे ना सब मिलते थे पलिए खटते थे अब भट्टा खुल गया है भट्टा खुल गया कोई भट्टा पर जाता है कोई मिस्त्री हो गया पाँच सौ छः रुपया देगा उसमें जाएगा कि हमारे पास में खटेगा तो हम लोग भी छोड़ दिए जमीन को पड़ता छोड़ दिया यहाँ पर लगे हैं पेंटिंग के लाइन में लगे हुए हैं जमीन मनीष के क्या आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं क्या गरीबों की गरीब पूरा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं पूरा एकदम जितना उनका पावर है वो अपना से करते हैं पढ़ने लिखने का लीड कॉपी के, के जो उनका ताकत है अपना सबको तो नहीं दे सकते हैं वो भी देते हैं जो रोड पर भटकते रहता है बच्चा सब उसको भी देखते हैं कि कहाँ से आए हो क्या कर रहे हैं तो वाले को कभी कुछ ना कुछ जो सीजन रहता है जैसे आम का रहता है बच्चा बैठे तो हैं जाते हैं घर में उनको दो सौ एक सौ दे करके साथ रहते हैं सबके साथ में वो घूमते हैं बिहार का लड़का अभ्यास जैसे करते हैं काम अच्छा एक चलिए एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ क्या तेजस्वी को जो उन्होंने चैलेंज दिया है कि 2025 तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो बिहार की जनता क्या चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ना बने तेजस्वी ज्यादा बने या कोई बने कोई जनता बने कोई बिहार का काम बने नया जनता है ये हम नहीं कहते कि मोदी आए योगी आए कोई लालू आए ये नहीं कहते नया मुद्दा नया, नया नेता चुनिए ये।, ये दोनों को हटा कर एक दूसरा नेता को जो है सो हाँ बनाएंगे पक्का बनाएंगे हम उनको वोट देंगे जहाँ कहिएगा तक ठिकाया होगा हम बिहार से तो हम उनको वोट देंगे अपना वोट उनका हम अपना घर में जितना पैदा है हम उनको देने के लिए तैयार है तो मनीष कश्यप के समर्थन में क्या कुछ कहा आपने सुन लिया वीडियो में फिलहाल इतना ही हाजिर होंगे एक मुद्दे एक नए वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ दिल्ली सौगंध टीवी आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की